आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी आलेख सुरभि तिवारी वाचन स्वर शरद बाघेला ये महीना जबलपुर जिले के लिए मिला जुला रहा खट्टी मीठी यादों को संजोए आज साल 2023 का अंतिम दिन है ऐसे में पुराने साल को विदा और नए साल का स्वागत करने लोग उत्साहित हैं नए वर्ष के पहले दिन को संजोने और यादगार बनाने के साथ लोगों को प्रेरित करने कुछ लोग पौधरोपण करेंगे तो कुछ रक्तदान वहीं कोई धार्मिक स्थल पिकनिक स्पॉट तो कोई परिवार सहित पर्यटन स्थल जाकर दिन की शुरुआत कर यादगार बनाएंगे जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जगह जगह हितग्राही मूलक शिविर लगाए जा रहे हैं शिविर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा हुई ठंड ने जबलपुर जिले सहित पूरे संभाग को अपनी चपेट में ले लिया है आज सुबह पारा आठ डिग्री रहा वहीं हल्के बादलों और धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास बराबर बना हुआ है मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर जिले में नए साल की शुरुआत में बादल छाने और कहीं बारिश होने की संभावना है हाल ही में हुए इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लोकल सेंटर जबलपुर की ओर से आयोजित तीन दिवसीय अड़तीसवीं इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस का प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ किया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय देश का पहला ऐसा न्यायालय बन गया है जब पहली बार किसी राज्य के उच्च न्यायालय की ओर से राज्य में सभी जिला और तहसील अदालतों के लिए कार्रवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है सुरक्षित अदालत परिसरों की ओर बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम शुरू किया है जो अपने आप में देश की एक अग्रणी परियोजना है 210 अदालत परिसरों के कोर्टरूम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी ये प्रणाली प्रशासित अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जबलपुर पुलिस एक और नवाचार करने जा रही है दो व्यस्ततम मार्गों पर विशेष जोन बनाए जा रहे हैं इन मार्गों पर दोपहिया वाहन चालकों को बगैर हेलमेट और बगैर सीट बेल्ट लगाए एंट्री नहीं दी जाएगी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट 180 से बढ़कर 250 हो गई है अब भारतीय चिकित्सा परिषद की गाइडलाइन के अनुसार सेटअप को अपडेट किया जाएगा गोला बारूद के उत्पादन में देश की अग्रणी निर्माणियों में शामिल जबलपुर स्थित आयुध निर्माणी खमरिया ओएफके में टैंक भेदी 125 सौ के बम बनाए गए हैं इसकी पहली खेप उड़ीसा के समुद्री तटीय शहर बालासोर पहुंच गई है यहां एक जनवरी को टेस्टिंग से नए साल 2024 का स्वागत होगा इन बमों की टेस्टिंग सफल रही तो निर्माणी अगले चरण में पौने दो लाख बमों की खेप का उत्पादन करेगी जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म इजाद की है गेहूं की इस किस्म को एम पी एक तीन सात आठ यानी तेरह सौ अठहत्तर का नाम दिया गया है कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि विभिन्न रोगों से प्रतिरोधक क्षमता वाली एक सौ बीस दिन की इस किस्म का उत्पादन क्षमता छाछठ क्विंटल प्रति हेक्टेयर है कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक गेहूं की किस्म का उत्पादन ज़्यादा होने के साथ साथ इसमें जिंक और आयरन जैसे अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद हैं इसकी रोटियां और उत्तम बिस्किट भी बनेंगे चुनावी आपाधापी के बीच नागरिकों की शिकायतों के निराकरण किए जाने के मामले में जबलपुर नगर निगम प्रदेश में अव्वल स्थान पर आया है सीएम हेल्पलाइन से जारी ग्रेडिंग के अनुसार जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन में आई 2309 शिकायतों में से लगभग संतावन दशमलव चार प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया है जबलपुर कटनी मैयर और सतना के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कुछ ही दिनों पहले रेलवे ने कन्याकुमारी बनारस कन्याकुमारी काशी तमिल संगम साप्ताहिक एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है ये गाड़ी अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलकर पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर पहुंचेगी लाइन लॉस रोकने बिजली चोरी पर कागजी कार्रवाई करने के बजाय ऑनलाइन पंचनामा किया जाए ये बात नई सरकार बनने के बाद पहली बार शक्ति भवन जबलपुर पहुंचे ऊर्जा सचिव ने अधिकारियों के साथ कार्य की समीक्षा के दौरान कही महापौर जगत बहादुर से ही अन्नू की अध्यक्षता में मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई इसमें जबलपुर शहर विकास को लेकर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिले की चिट्ठी समाप्त हुई